काफ़ी मोबाइल रखे हुए हैं, रोज़ बनने के लिए आती है, रोज़ बनाते हैं, लेकिन जो अच्छा लगता है वही वीडियो बनाते हैं जिससे हर कोई आदमी कर सके, चाहे ग्राहक हो चाहे दुकानदार हो। जो हमारा वीडियो देखेगा वो 80% अपने आप ही टिक कर लेगा, दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बताएंगे अपने आप ही कर लेना, नहीं दुकान पे आओगे तो दुकान का अलग ही चार्ज रहेगा। हेलो दोस्तों, ये रियलमी का फ़ोन है, रियलमी का कौन मॉडल है दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है और इसका पैटर्न नहीं लग रहा है, पैटर्न लगा रहे हैं तो लग नहीं रहा है, हट हट जा रहा है। देखिए रियलमी C20 देख लीजिए, रियलमी C20 है, इसको रीसेट कैसे मारा जाता है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, अपने आप खड़ा हो जा रहा है टच, और उसके बाद इसका वैल्यूम अगर दबा के चालू करते हैं तो 1-2 मिनट चलता है, उसके बाद ये टच हैंग करने लगता है अपने आप ही। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है और इसकी जो हैंग कर रहा है कैसे मिटाया जाता है, और सारा ऐप मिटाएंगे, रीसेट मारेंगे फ़ोन में, दोबारा चालू करेंगे, देखते रहिए वीडियो कैसे मारा जाता है। अगर आपका मोबाइल हैंग कर रही है तो ऐसे कर लेना, सही हो जाएगी। सबसे पहले बता रहे हैं कि ये जो है पहले रियलमी का C20 मोबाइल है, C20। अब देखिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए या इसका सिम निखार के मारिए, जो सिम लगा हुआ है देखिए ऊपर लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए, देखिए इसको सिम चोक दीजिए, वो सिम अलग कर दीजिए, देखिए ये सिम हट गया, देखिए हट गया है सिम। अब इसको रीसेट कैसे मारा जाता है बता रहे हैं, देखिए आप सेटिंग में जाइए, सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आप अपना गूगल अकाउंट बंद कर लें, देखिए इसमें अकाउंट नंबर, यूजर अकाउंट में जाइए, यूजर अकाउंट में जाने के बाद देखिए ये गूगल है, ये नाम से है, इसको डिलीट कर दीजिए, देखिए आप आपका गूगल अकाउंट है, आप इसको बंद करके मारिएगा, नहीं तो आपका सेट खुल हो जाएगा लेकिन वो खुलेगा नहीं, अगर खुलेगा तो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, इसीलिए देखिए हट गया है। अब ये व्हाट्सअप फेसबुक ऑटोमेटिक हट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बैक आइए, उसके बाद देखिए टच काम नहीं कर रहा है, देखिए इतना दबा रहे हैं, देखिए अभी तक हटा नहीं है, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है, देखिए ये बंद हो जाता है, कितना दबाइए अब दबा रहे हैं चालू नहीं हो रहा, देख रहे हो ऐसे हैंगिंग कर रहा है। अब इसको कैसे ठीक करते हैं देखिए, देखिए अभी तक एक अगिया थे, कितना दबा रहे हैं चालू करने वाला, चालू नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, जैसे इसको देखिए गूगल अकाउंट बंद किए वैसे का अगिया थे, ये हैंग होने लगा, देखिए यही मॉडल है, ये टाइम लेता है, मान के चलिए देखिए रियलमी इतना मॉडल है RMX3063, आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो C20 दिखाएगा, देखिए अब इतना देर बाद भी दिखाया, बहुत कल्ले में, देखिए ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। अब देखिए देखिए दोबारा इसका वो अकाउंट गूगल वाला बंद हो गया है कि नहीं, देखिए वो बंद हो गया है, फेसबुक व्हाट्सअप चाहे बंद हो या ना बंद हो उससे लेना देना नहीं है। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अगर चाहे गूगल अकाउंट वो बंद करो या ना बंद करो, एक सिस्टम समय रहता है, इसको बता दे रहे हैं, देखिए जैसे आप इस पे जाइए तो इस पे देखिए नंबर लिखा रहता है, इसी पे कम से कम 5 या 6 बार टीप दीजिए, हाली हाली देखिए टीपते हैं कुछ बताएगा, ऑन हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए ऑन हो गया, आप इसको बंद करना है। अभी कहाँ मिलेगा वो ऑन हो गया है, ये मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग में जाइए, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ए वाला ऑप्शन ए, इसको ओपन करोगे तो ए लिखा रहेगा OEM अनलॉकिंग, देखिए OEM किसी भी मोबाइल में, चाहे वीवो का हो चाहे ओप्पो का हो चाहे MI का हो, आप इसको ऑन कर दीजिएगा, ये आपका अगर गूगल अकाउंट या अकाउंट रहेगा तो मांगेगा नहीं, देखिए अभी ऑन हो गया, चाहे इसको ऑन कर दो चाहे गूगल अकाउंट बंद करो या ना बंद करो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आप कर लोगे तो ये आपका गूगल अकाउंट मांगेगा ही नहीं, चाहे आपका इसमें बंद किए हो या ना बंद किए हो, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, बहुत आदमी को नहीं पता रहती है, वैसे रीसेट गूगल अकाउंट मार देते हैं, देखिए इसको रीसेट मारते हैं, आप जाइए एडवांस में, अब इसके दीजिए देखिए बैकअप रीसेट, बैकअप एंड रीसेट, अब देखिए इसके नीचे वाला ऑप्शन ऑल डाटा फैक्ट्री, इसको ऑल डाटा कर लीजिए, देखिए अब यहाँ लाल लाल मांग रहा है हेडिंग में, अब इसको कर दीजिए एक बार और कर दीजिए, ये पूरा रियलमी लिख के चालू होगा, अब इसको कुछ नहीं करिए, 10 मिनट खातिर रख दीजिए, ये अपने आप हो जाएगा, तब इसको सेटअप करते हैं। अब देखिए ऐसे 10 मिनट लगाएगा, 10 मिनट लगाएगा या 5 मिनट लगाएगा, सब मोबाइल का अलग अलग रहता है, लेकिन मान के चलिए 5 मिनट कम से कम, कोई कोई मोबाइल 10 मिनट लगा देती है। अब देखिए अपने आप कुछ नहीं करना, अपने आप रीसेट होगा, रीसेट होकर चालू होगा, इसमें जितना सारा फोटो रहेगा डाटा रहेगा नंबर रहेगा सब उड़ जाएगा, ये कंपनी का पूरा बचेगा जो कंपनी का रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा किसी भी कंपनी का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियलमी का है, कोई भी कंपनी का अगर ऐसे हैंग कर रहा है तो आप कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, नहीं दुकान पर जाओगे दुकानदार कम से कम 100 रुपये लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेगा, 100 रुपये लेगा अगर पासवर्ड पता रहेगा तो, इसमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, बिना पासवर्ड डाले रीसेट होता ही नहीं है, इसमें पासवर्ड नहीं पड़ा था इसीलिए पासवर्ड नहीं मांगा, नहीं तो गूगल अकाउंट बंद करते समय पासवर्ड मांगेगा और रीसेट मारते समय पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड का ये होगा नहीं, देखिए ये बंद हो गया चालू हो रहा है, खुल गया है, अब इसको सेटअप करते हैं, नेक्स्ट करिए आगे,
नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, उसके बाद देखिए आएगा। अब आप इंडिया, हम इंडिया के हैं, इंडिया सेलेक्ट कर लें। देखिए इसमें इंडिया लिखा रहेगा या नीचे इंडिया, इंडिया पे करोगे तो आगे बढ़ जाइए। आप नेक्स्ट कर दीजिए, अब फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ नेक्स्ट करते जाइए इसकी। अगर ये देखिए बैक आ रहे हैं, अगर ये गूगल अकाउंट नहीं बंद करे होते तो ये स्किप का ऑप्शन नहीं आता, आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये गूगल अकाउंट नहीं मांगने लगता है, इसीलिए गूगल अकाउंट बंद किया जाता है। नहीं तो वो जो बताए थे ऑप्शन, दो चार बार टीपे उसको बंद किए, अनलॉक किए, उसको अगर कर लीजिएगा तब भी नहीं मांगेगा, तब भी आगे बढ़ जाइए। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे चलिए नेक्स्ट करिए, ये बता रहा है। चलिए देखिए, लेटेस्ट देखिए, एकदम ओके हो गया है। देखिए रियलमी UI लोडिंग ले रहा है, अभी आखिरी है, अब इसी के बाद खुल जाएगा। मान के चलिए 10-20 सेकंड टाइम लेगा, जो लेगा लोडिंग ले रहा है, अभी आएगा ये ऑप्शन, देखते रहिएगा। ये आ गया है, आप इसको ओके कर दीजिए, ये खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया, यही था। अब आप सिम लगा दीजिए आराम से। देखिए रीसेट मारने के बाद आपका नेट नहीं चलेगा, आपका यूट्यूब कुछ नहीं चलेगा जब तक आप प्ले स्टोर में आईडी नहीं बनाएंगे। देखिए इसको आईडी भी बता दे रहे हैं कैसे बनती है, बताए हुए हैं, वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन इसमें भी देख लीजिए कैसे बनेगा। आप प्ले स्टोर में जाइए, नेट ऑन रहना चाहिए आपका, नेट ऑन रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, या हॉट स्पॉट कनेक्ट हो। देखिए आप साइन करिए, और उसके बाद आप देखिए ये चेकिंग करेगा आपका पूरा, उसके बाद नाम लिखने के लिए आएगा। नेट सिलो है, अगर सिलो नहीं रहेगा तो हाली हाली हो जाएगा। देखिए अगर आप पुरानी आईडी डालेंगे तो इसमें डाल के पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिएगा, नहीं तो अगर नया बनाना चाहते हो तो नया बनाइएगा, नया बनाना चाहते हैं, देखिए नया बना रहे हैं। अब देखिए इसमें अपना फर्स्ट नेम कोई भी नाम लिख दीजिएगा जो आपका हो, जैसे अब कस्टमर का है, अब इसको लिख लीजिए नीलम, आगे बढ़ा दीजिएगा आप। अब डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो डेट हो, उसके बाद इसका साल, उसके बाद ये फीमेल मेल, फीमेल है अपना जो होगा सेलेक्ट कर लेना, मेल हो कि फीमेल हो। उसके बाद देखिए ये आ गया है, आप अपने अलग से बना सकते हो, नहीं तो ओके कर दीजिए, कोई दोनों ऑप्शन में से ये बना नहीं है। अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हो, मोबाइल नंबर यूज, आप मोबाइल नंबर डाल के ओके कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं डालना है, अब पासवर्ड डालना है। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड अपना कोई भी डाल लेना, वो बात की बात है। पासवर्ड डाल लिए हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ गया, इसको ओके करते हैं। देखिए यहाँ आईडी आ गई है, नाम भी आ गया है। अब उसके बाद आप एग्री कर लीजिए, आपका प्ले स्टोर बन गया है, मिनटों में नहीं लगा, एक मिनट में बना दोगे आराम से अगर जानकारी रहेगी। देखिए गूगल सर्विस एकदम ओके है, नाम लिख के आ गया है, आईडी भी लिखी हुई है ऊपर, परमिशन दे दीजिए आप इसका। उसके बाद देखिए एक्टिव कर लीजिए आप, उसके बाद ये आपका प्ले स्टोर चालू हो गया है। देखिए प्ले स्टोर खुल के आ रहा है, यहाँ पर नेटवर्क बहुत धीमे हैं लेकिन तब भी बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपका नेटवर्क तेज़ रहेगा तो सब हाली हाली काम होगा। देखिए आप यूट्यूब या यूट्यूब है, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, सब यहीं से अब चालू हो जाएगा, यहीं से आप अपडेट कर लीजिए या डाउनलोडिंग कर लीजिए, अब सब ऐप यहाँ से होगा, प्ले स्टोर से अपना कर लीजिएगा, एकदम ओके रहेगा। बस यही इतना बताना था।